they were unprecedented. कभी पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी असेंबली में पुलिस कभी भी नहीं आई, वो भी आज हमने देखना था। तो दोस्तों आपने देखा स्टार्टिंग का क्लिप, पाकिस्तान की पंजाब की पार्लियामेंट में कल ऐसा माहौल था कि पाकिस्तान की पुलिस को वहां पर जाकर मतलब माहौल को संभालना पड़ा। आप समझ सकते हो पार्लियामेंट का ये माहौल था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो। ये जो सीन्स हैं दे वर अनप्रेसिडेंटेड, कभी पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी असेंबली में पुलिस कभी भी नहीं आई, वो भी आज हमने देखना था। 11:30 बजे इजलास लगना था, 5 बजे हुआ और बहरहाल हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बन गए। पीटीआई ने इसको टोटली बॉयकॉट किया। लेकिन इस सारे सानिया में एक और जो चीज़ है, मेरे कॉलीग्स इस पर ज़रा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट करेंगे, ये बात करेंगे। डिप्टी स्पीकर को मार पड़ी, उसके बाद हमने देखा कि फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर स्पीकर, उनके साथ क्या हाल हुआ, उनको इंजर कर दिया, उनका हाथ तोड़ दिया। और ये हमने सारा दिन असेंबलीज के अंदर ये मछली मार्केट, जो हम यूजुअली इंडियन पार्लियामेंट को कहते हैं कि ये वहाँ होता है, आज हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे भी हमने देखा। राजा परवेज नैरेटिव पे जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तासुर ये जा रहा है कि शायद पुलिस अपनी मर्जी से घुस गई थी वहाँ असेंबली में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको याद हो पिछले 2-3 दिन की जो प्रोसीडिंग्स थी लाहौर हाई कोर्ट की, उसमें बिसाइड्स ये कि स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर को हुक्म दिया गया था कि वो इंतखाब करवाएं, इजलास मुनक़द करें, साथ ही साथ आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को ये हदायत थी कि वो इंश्योर करेंगे कि ये बगैर किसी मुदाखलत के ये इलेक्शन होगा, कोई रुकावट नहीं डालने दी जाएगी एंड फुल फोर्स शुड बी यूज्ड। तो ये तासुर नहीं होना चाहिए कि पुलिस शायद अपनी मर्ज़ी से घुस गई थी। पहली दफ़ा अगर अंदर के हालात ऐसे बना दिए जाएंगे तो फिर नई चीज़ें होंगी, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जब पहले 2 दफ़ा कोशिश की गई है इजलास मुनक़द कराने की, तब भी यही सूरत हाल थी कि दूसरी तरफ की पार्टी जो है थी, चौधरी परवेज़ लाई जिसके कैंडिडेट थे, तब भी उन्हें पता था कि उनके पास उतने नंबर नहीं है, नंबर गेम उनकी जो है वो वीक है। उसके बाद जब होटलों में लोग मुंतकिल हो गए और कहा गया लोगों को वहाँ दबाया हुआ, उस वक्त भी उन्हें पता था कि उनके पास लोग नहीं हैं। और आज जब इजलास शुरू हुआ उस वक्त भी ये वाज़ तौर पर, चूँकि सबसे पहले हुकूमती अरकान जो हैं वो असम्बली में आए थे, तो उनकी तादाद जो है वो 140 के करीब थी। तो ये तो बिल्कुल वाज़ नविश्ता दीवार था कि ये इंतखाब वो नहीं जीत सकते, और इसलिए ये कोशिश की गई कि यहाँ पर अगली सीन्स क्रिएट किए जाएँ। और जिस तरह के सीन सुबह के सेशन में, जिसमें डिप्टी स्पीकर की पिटाई हुई, उनके ऊपर हमला हुआ, उनके बाल नोचे गए, उनको ज़मीन पे गिरा के घूंसे मारे गए, ठुड्डे मारे गए, वो सारा मंजरनामा जो है उसका क्रेडिट जो है अनफॉर्चुनेटली चौधरी साहब पर जाएगा, जिनके ख़ानदान की एक बड़ी अच्छी रवायत है कि वो जमहूरी पसंद थे, वो पीसफुल लोग थे, वो ग्रेसफुल लोग थे। वो ग्रेस आज कहीं ना कहीं गुमी ज़रूर है। अब इसका कसूर उनका है या नहीं है ये तो मैं जज नहीं हूँ, ना मैं तय कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना एहसास भी है और तकलीफ़ भी है इस बात की कि चौधरी ब्रदरान जो हैं, उनकी पूरी फैमिली, उनकी फैमिली की हिस्ट्री, वो एक काबिले एहतराम, काबिले इज़्ज़त और वज़ादार लोग थे। वो वज़ादारी आज कहीं ना कहीं जो है वो ज़ाया हुई है। कौन इसका ज़िम्मेदार है ये तो एसेस करना उनका काम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिसक्रेडिट जिस शख्स को जाएगा, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ, वो है सेक्रेटरी असम्बली, और उनका नाम है मोहम्मद खान भट्टी। अगर वो चाहते तो ये सारे अनरूली सीन जो हैं ये अवॉइड किए जा सकते थे। इतनी तादाद में लोटे कैसे गए, जबकि कोई भी रुकन जो है वो मुकम्मल स्कैनिंग के बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकता, कौन इसका ज़िम्मेदार है? तो ये वो सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये मंजरनामा हमें देखने को मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के इलेक्शन जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, हमजा शहबाज जो हैं वो बन गए हैं चीफ मिनिस्टर, अपने बाप की तरह वो भी पंजाब जैसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर मुनक़द हुए हैं, यानी मुकर्रर हुए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने कोई लफ्ज मिंस किए बगैर अलीम खान साहब को और यानी जहांगीर तरीन साहब को, और जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल अरीना पे जो आईन और कानून के कस्टोडियन ने जिस तरह आईन और कानून के साथ अपनी मन मर्जी और मंशा के मुताबिक
इक्तदार से चिमटने के लिए या इक्तदार में आने के लिए जिस तरह इस्तेमाल किया गया, तो वो मैं ये समझता हूँ कि ये एक किस्म का इंटरटेनमेंट था, जो कि मैं पब्लिक के एज ए पब्लिक देखूँ तो ये एक मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ, एक ख्वाब नज़र आता है कि जिन लोगों ने कानून और आईन के तहफ्फुज़ का हलफ उठाया होता है वो कानून और आईन को ऐसे अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसको बाकायदा एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना देते हैं। जैसे आज एक शुगर लगा हुआ था, तमाशा लगा हुआ था असेंबली के अंदर, एक दूसरे को ऐसे लोटे मार रहे थे, ऐसे एक दूसरे को जदोकोब कर रहे थे। पाकिस्तान की मतलब आईनी हिस्ट्री में इस तरह पुलिस का आना, चाहे जिसने भी बुलाया, चाहे प्लान करके बुलाया गया, बुलाया तो आफ्टर ऑल ये पार्लियामानी लीडर्स ने है ना, तो बदकिस्मती है ये। नहीं ये लेकिन आप इसको साथ पार्लियामेंट्री फेलियर नहीं कहेंगे? मैं आ रहा हूं उस पे, देखिए, और उसको हमारी आने वाली जनरेशन जिसकी तरफ बुखार इफ्तिखार साहब, मैं इनका जवाब दे देता हूं, जो इफ्तिखार साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, हम उनको क्या सबक दे रहे हैं? बात यह है कि हम जमहूरियत में रहना भी चाहते हैं, बदकिस्मती क्या है, हम जमहूरियत में रहना भी चाहते हैं, जमहूरियत के समरात से फायदा भी उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें वो जमहूरियत पसंद है जो हमें सिर्फ इक्तदार में रहे। इमरान खान ने जिस तरह 6 हफ्ते में देखे पाकिस्तान के मुआशरे को, पाकिस्तान की कौम को जिस तरह डिवाइड किया, जिस तरह इस हद तक पोलराइज कर दिया कि आज जिसको हम क्लेम करते थे चौधरी परवेज लाई कि मेरी पूरे सूबे में रिश्तेदारी हैं, खानदान की रिश्तेदारी हैं, आज वही दस्तों गिरेबान हुए हुए थे। ये है वो चीज जिसकी तरफ आपकी सियासत जा चुकी है। बदकिस्मती क्या है कि जमहूरियत के लिए जिस तरह हुक्मरानी जरूरी है उस तरह अपोजिशन का भी होना जरूरी है, दोनों एक ही गाड़ी के पहिए, अगर ये दोनों इकट्ठे मिल के अपनी असेंबली की हिफाजत नहीं करेंगे, इसकी इज्जत नहीं करेंगे और इधर अवाम के लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर वो बात वो आ जाती है बार बार अदालतों की तरफ, फिर अता तारड़ जैसे बंदों का आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कुछ 4:30 बजे, जी अदालतें सू मोटो एक्शन ले, ओ भाई बस कर जो अदालतों का सहारा लेने, 1:12 बजे तक आपने अदालत करा खुलवा कर जो कटा खोला वो तो बंद कर लें, एक नई अदालत की तरफ आप ले जा रहे हैं, असेंबली के मामलात को असेंबली में सेटल करें। जिस तरह मैं समझता हूं डिप्टी स्पीकर को हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, चाहे लड़ाई हुई, चाहे पुलिस आई, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे परवेज अलाई साहब जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने आईन और कानून के दायरे में रह के अपनी जिम्मेदारी पूरी करके पूरा अदालतों के पास से मिला क्या उन्हें, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप इलेक्शन करवाएं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर वो अदालतें ना हो और ना करें एक्ट, तो फिर किसके पास जाएं? अमेरिका के पास जाएं, फिर बरतानिया के पास जाएं, हिंदुस्तान के पास जाएं? मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई बिल्कुल भी। ये कोई बात नहीं है कि अंदर तो अदालतें डिप्टी स्पीकर को खराब ना होता, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, चुप करें आप। देखें गुजारिश ये है कि डिप्टी स्पीकर को मार पड़ रही है, लोटे चल रहे हैं, असेंबली पर कब्जा है, तो कौन आएगा फिर इसके इसके तो अदालत का काम तो नहीं है ये, अदालत का काम है ये? नहीं बुखारी साहब, अदालत का काम नहीं, असेंबली के मामलात में अदालत का काम नहीं बनता। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन इज वायलेटेड इट इज द कोर्ट। तो फिर एक तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। इसमें देखा आपने पाकिस्तान की जो पंजाब की पार्लियामेंट है वहां पर ऐसा कुछ माहौल था कि लोग लोटे छुपा छुपा कर लाए थे और लोटे एक दूसरे को मार रहे थे, वहाँ पर महिलाएं भी एक दूसरे से लड़ रही थीं और पाकिस्तान की पुलिस को बुलाना पड़ा, पाकिस्तान की पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा उस झगड़े को सॉल्व कराने के लिए। तो ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो कुछ भी हो उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एक पाकिस्तानी ने बोला कि ऐसा कुछ इंडियन पार्लियामेंट में होता है, हम ऐसी बात करते हैं। हालाँकि ऐसा आपको भी पता है कि इंडिया की मतलब स्टेट में इतनी सारी पार्लियामेंट है, ऐसा कुछ सीन वहाँ पर भी कई बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों यह वीडियो खत्म होता है, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब